इनवाइट किया गया, उसके बाद शिवसेना को इनवाइट किया गया, उसके बाद एनसीपी को इनवाइट किया, लेकिन जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए था ये राज्यपाल महोदय ने वो मौका नहीं दिया। और उसके बाद बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से सौगंध विधि होनी चाहिए वो नहीं हुई, बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, सिर्फ मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ ANI थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता लोकतंत्र में, संविधान में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए, तो इसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो नहीं हो पाया है। एक प्रक्रिया चल रही थी शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीच में। पहली मीटिंग जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, तुरंत दूसरे दिन ही हम पहुंच गए कि पहले हमें हमारे जो सहयोगी हैं, जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए, और उसीलिए उनके साथ मीटिंग की, कुछ बातें हुई, प्रिंसिपली हम एग्री हुए। उसके बाद जैसे ही शरद पवार जी दिल्ली में आए, उनके साथ उनके घर पे दो मीटिंगें की गई, सब कुछ तय किया गया वहाँ पे, और ऑन एवरीथिंग वी वेर ऑन बोर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शिवसेना के साथ डिस्कस करना था वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसी लिए कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छी मीटिंग रही, शाम तक कुछ एकाध दो मुद्दे ऐसे थे कि जिसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत थी, और उसी लिए आज हम 12:30 बजे मिलने वाले थे, 12 या 12:30 बजे, लेकिन उससे पहले आज सुबह में जो कांड हुआ, मेरे ख़्याल से उसके लिए उसकी आलोचना करना और उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जो भी अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वन बाय वन। एब्सोल्युटली बेसलेस, उसी लिए मैंने पहले ही शुरू में कहा हमारी तरफ से कोई भी ढिलास नहीं हुई। जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का फोन आया, दूसरे दिन हम यहाँ पहुँच गए, शरद पवार जी ने दिल्ली में जो डेट दी वो डेट पे हम लोग मीटिंग में गए, दूसरे दिन भी मीटिंग हुई, और उसके बाद तुरंत हम यहाँ आए, तो हमारी तरफ से एक सेकंड की भी डिले नहीं हुई, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके में जितना टाइम लगा उतना टाइम लगा। एब्सोल्युटली बेसलेस, कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया, या आरोप जो भी लगा रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है, जो आज जो भी हुआ उसका कारण यही है कि NCP से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने जाके एक लिस्ट दे दी, उसकी वजह से ये सारी घटना उपस्थित। BJP को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ है, और BJP को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए, और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होके हमारे पूरे प्रयास होंगे, इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। आप राष्ट्रवादी के अजित पवार ने जो निर्णय लिया है तो उनको बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप आज होने वाली थी वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी। जहाँ तक पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में यही बात हुई है, और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग में, मीटिंग जो है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं
या उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीजें तय की जाएंगी। दीपक बाबू से गांगर साहब, ये तो वन बाय वन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें मैसेज आया था कि तीनों पार्टियों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था। आपको लगता है आप कंफ्यूजन में हैं? नो, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। और इसीलिए आज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि सुबह में जो मैसेज आया था कि शिवसेना और NCP प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद हमारा नाम डाला गया था। लेकिन हमारे से ऐसी कोई जितनी बात होनी चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी मीटिंग में आज गए हुए थे, मीटिंग में कुछ बातें हुई है, और हम लोग ने, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग थी पहले से तय की गई हुई थी, उसीलिए हम लोग CLP की, उसीलिए हम लोग जल्दी आ गए, उसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं जा हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है, सिर्फ दो लोग जो है अपने गांव में आज सारे यहां पे प्रेजेंट थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। वो जो है हमारे विधायक बिल्कुल मजबूत है, और BJP को और उनके जो भी LI अभी होंगे नए, उनको शिकस्त देने के लिए तैयार। सुरेंद्र गांगर, वन बाय वन, वन क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट। ये कहा है कि 30 तारीख के बाद तीन पार्टियों की सरकार जो है अभी भी बन सकती है, चर्चा जारी रहेगी, क्या आप मानते हैं? अभी भी बन सकते हैं, सरकार बनेगी। Both the ways, one is politically also and another is legally also. Both the way we will try. हम तीनों साथ मिल के ये जो भी कॉन्फिडेंस वोट है उसको पराजय करने की कोशिश करेंगे। We will fight both the front, political front as well as legal front. Ambedkar. Sir, ये अलायंस जो आप कहना चाह रहे हैं, वो आपको लगता नहीं कि अननेचुरल है? आपको विपक्ष में बैठने का पूरा मैंडेट मिला है, जो थोड़ा सा भी समय लगा, क्योंकि हमने कुछ चीजों पे हमें सहमति लेनी थी, शिवसेना से भी लेनी थी, और खास तौर पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज है प्रियम्बल में, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है और प्रिंसिपल्स है, उसमें उन्होंने कहा है कि वी ऑल आर कमिटेड फॉर दिस, सो देर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ अदर थिंग, सो दैट थिंग्स वेर क्लैरिफाइड बाय द शिवसेना, NCP, थ्री, ऑल द थ्री पार्टी वेर ऑन बोर्ड। एक तो हमारे विधायक टूटने की कोई संभावना नहीं है, हमने पूरा विश्वास है, फिर भी हम लोग मिलकर कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेंगे। Inherent to that concept was the fact that Sharad Pawar ji, who was dealing on behalf of the Congress with the Shiv Sena. No, that is wrong. That is wrong. He was speaking to them. No, he must be speaking, but not on behalf of the Congress party. But the fact also was that you expected at least that the NCP will keep its house together. The manner in which one of the very close confidant of Mr. Pawar walks away, does it disappoint you that at least the NCP should have kept the party together? Of course, it is a sad, of course we are disappointed, it is a sad, it is very unfortunate. Deepak Babu, please come on. Ahmed bhai, aaj jo meeting hone ja rahi hai, teenon partiyon ki, we will work out strategy, क्योंकि असेंबली भी बुलाने जा रहे हैं, तो इसके बाद बात होगी बाकी दो पार्टियों से भी, एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी विल बी देयर, इट विल बी अ जॉइंट स्ट्रेटेजी। क्या 4 बजे वो कह रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जी, बिल्कुल। सर, अगर आप कह रहे हैं कि दो तीन कुछ मुद्दे थे, तो क्या वो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं शिवसेना के साथ? इट वाज ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट, आज फाइनल स्टेज पे था, और उसके बाद ये कांड हो गया। इट विल बी सॉर्टेड आउट, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम, इतने बड़े मुद्दे नहीं है कि जो रिजोल्व नहीं हो सकता। Absolutely baseless. There is no delay at all, because there are certain formalities, there are certain things which have to be clarified, and that was, it has taken 2-3 days more, because he contacted us on 11th, and 12th we landed in Mumbai,
सो इट वॉज नॉट डिले एट ऑल फ्रॉम अवर साइड एट ऑल। किसी इंडिविजुअल कोई कमेंट करता है उनके पर्सनल व्यू होंगे, उसी पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जी जी, यू हैव एनी डाउट्स अबाउट अजीत पवार एक्शन, टुडेज एक्शन? नो, नॉट एट ऑल, इट वाज सरप्राइज फॉर अस, इट वाज अ सरप्राइज। संजय निरूपा, आपका ये तीसरा प्रश्न है, इट्स अ थर्ड क्वेश्चन। देखो, किसी इंडिविजुअल कोई कहता है, क्योंकि पार्टी का जो भी ओपिनियन है बहुत ही स्पष्ट है और जिसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। अगर कोई इंडिविजुअल ने कुछ कहा है वो उसका पर्सनल व्यू है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और पार्टी को जब लगेगा कि योग्य समय जो भी कुछ कदम उठाने हैं, कार्रवाई करनी है, तो पार्टी करेगी। जी बिल्कुल हो चुके, कल ही शरद पवार जी ने अनाउंस कर दिया। सर, क्या आपका शरद पवार जी के ये कहने पर कि उन्हें अजीत पवार के मुंह के बारे में कोई भी पता नहीं था, इस पे पूरा भरोसा है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभारी।